अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। और इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन को लेंगे, जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो लेक्चर में, पहले लेक्चर में, उसके अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फिर इसके अंदर जो पहला पार्ट आ रहा है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स है तो इसको देखेंगे, और फिर एक छोटा सा पैराग्राफ है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, तो इनके कंपोनेंट्स हमने क्या बनाए हैं, हेडिंग्स कौन कौन से बनाई हैं। इंट्रोडक्शन जो होगा इस चैप्टर का, वो अगर आप पढ़ें तो वो स्टार्ट हो रहा है बाय द कंपैरिजन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो हम कंपेयर करेंगे डाल्टन के कंसेप्ट को मॉडर्न कंसेप्ट के साथ और डिफरेंस देखेंगे। फिर आप देखें तो उसके बाद जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स का टॉपिक बुक में मौजूद है, तो उसको मैंने 5 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। हम डिस्चार्ज ट्यूब के जो एक्सपेरिमेंट है उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब के स्ट्रक्चर, डिस्चार्ज ट्यूब का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, देन उसकी जो वर्किंग है, मैकेनिज्म है काम करने का, और वो फिर साथ ही डिस्चार्ज ट्यूब की डायग्राम को भी हम देख लेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है वो छोटा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक पैराग्राफ आपकी बुक में दिया गया है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी मैंने 4 हेडिंग पर डिवाइड कर दिया गया। इनको इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर इसमें कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा कुछ और पार्टिकल्स हैं, उनको तीसरी हेडिंग में रखेंगे। और फिर हम जानेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम्स किन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर या जो बाकी पार्टिकल्स हैं, या फिर दोनों के ऊपर। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम डाल्टन और मॉडर्न कंसेप्ट को कंपेयर करते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इतना अहम तो नहीं है, लेकिन एक बहरहाल अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। क्या जी, कंपैरिजन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक कंसेप्ट, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसमें किन किन चीज़ों के, डाल्टोनियन जो कंसेप्ट है एटम का, डाल्टन ने 19वीं सदी के आगाज़ में कहा था कि एटम जो है वो सिंपल सिस्टम है, एटम जो है वो इंतहाई सिंपल है, बल्कि उसने कहा था कि मैटर का जो सिंपलेस्ट पार्ट है वो एटम है। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो हमें ये बताता है कि एटम जो है वो कोई सिंपल चीज़ नहीं है, बल्कि एटम जो है वो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके अंदर एक और कायनात है, एक नई दुनिया, और एटम को समझने के है और उसके कंट्रीब्यूशन को, उसके रोल को देखना है, तो इसके ऊपर जिंदगियाँ लग जाती हैं। और अभी तक हम एटम को फुली एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो एटम को सिंपलेस्ट पार्ट नहीं है मैटर का, बल्कि ये भी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, कम्प्लेक्स यूनिट में ही आता है। डाल्टन ने कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, और एटम का वर्ड जो मतलब है, लिटरल मीनिंग है, वो भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एटम में एक वर्ड है और ये आ इसको बोल रहे हैं, तो उसका मतलब विदाउट, और टॉम इसका मतलब है डिवीजन, या आप कह लें कटिंग, टॉम कटिंग विदाउट या नॉट, तो और टर्म मतलब दैट कैन नॉट बी फर्दर कट डाउन, तो ऐसी चीज़ जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके उसको एटम कहते हैं। ये पुराना कंसेप्ट था, ठीक है, ग्रीक्स का भी यही ख्याल था, बाद में डाल्टन ने भी इसी ख्याल को अपनाया, इसी थ्योरी को बरकरार रखा और अपनी थ्योरी में इस पॉइंट को ऐड किया कि एटम इज़ इनडिविजिबल। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो उससे हमें पता चलता है कि एटम जो है वो डिविजिबल है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस भी है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, बाहर ऑर्बिट शेल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर हम जानेंगे कि 100 के करीब लगभग इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद हैं। तो जो एटम है, तीसरा पॉइंट ये है कि डाल्टन ने कहा था कि कोई एक एलिमेंट ले लें, ठीक है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट ले लें, उसके जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, इसने कहा डाल्टन ने। लेकिन आज हम क्या जानते हैं कि ये बात गलत है, और सही बात यह है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में भी डिफरेंट है, और एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनको हम आज आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, कार्बन है तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन, उसके तीन मुख्तलिफ तरह के एटम्स, हाइड्रोजन 1 का मास 1 यूनिट, हाइड्रोजन 2 का मास
टू यूनिट हाइड्रोजन, थ्री का मास थ्री यूनिट। तो एक एलिमेंट के एटम्स आपस में डिफर कर सकते हैं और एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को हम आइसोटोप कहते हैं, ये आज हम जानते हैं। लेकिन डाल्टन ने जब अपनी थ्योरी दी थी तो डाल्टन ने कहा था कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। नंबर फोर पे और लास्ट पे बात यह है कि एटम जो है, डाल्टन ने कहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, और जो मॉडर्न कंसेप्ट है एटम के मुतल्लिक वो हमें बताता है कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, बल्कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम में मौजूद हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, और इनका नंबर अराउंड अबाउट 100 है। ये 100 स्मॉल पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद हैं जो एटम के स्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहे हैं। तो एटम इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, बल्कि एटम इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये इंट्रोडक्शन में बुक में देखें तो जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले एक दो लाइनों में, पहले पैराग्राफ में ये चीज़ का जिक्र है, तो उसको मैंने एक खूबसूरत शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, कंपैरिजन की फॉर्म में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट जो पार्ट है और जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये आगे दो तीन वीडियो लेक्चर्स में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स चलते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, प्रोटॉन की डिस्कवरीज की बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो हर एक में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स का जो है वो जिक्र होगा, डिस्चार्ज ट्यूब का जिक्र होगा। तो ये अभी हमें समझ लें तो ये आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें बहुत मदद मिलेगी, आसानी होगी। तो इसकी मुख्तलिफ हेडिंग्स में सबसे जो पहला पार्ट है वो इंट्रोडक्शन का है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये तकरीबन स्टार्ट हुए इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 1870 की दहाई में, 80 की दहाई में ये जो है वो स्टार्ट हुए। और जो पहला हाफ था उसके अंदर डाल्टन का कंसेप्ट डोमिनेट रहा, लेकिन 19वीं सदी का जो सेकंड हाफ है उसमें जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो हमें एटम्स के मुतल्लिक और तरह की इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुई। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हैं स्टार्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, और इन एक्सपेरिमेंट्स से ये मालूम किया गया कि जो गैसेस हैं आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, लेकिन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि गैसेस जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। लेकिन उसकी कंडीशंस हैं, कंडीशन क्या है कि प्रेशर बहुत लो होना चाहिए और वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, ऐसा क्यों है ये थोड़ी देर तक हम एक्सप्लोर करेंगे कि लो प्रेशर पे ही गैसेस क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। तो दूसरी जो हेडिंग है, दूसरा पार्ट जो है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर किसका? डिस्चार्ज ट्यूब का। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स की तो जारी बात है हमें डिस्चार्ज ट्यूब के स्ट्रक्चर और वर्किंग को अच्छी तरह से जान लेना है। तो बात कर लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के स्ट्रक्चर की। डिस्चार्ज ट्यूब जो है, जैसे इसका नाम बताता है, ये ट्यूब है और ये ट्यूब बनी होती है ग्लास की आमतौर पर, बीच में कहीं कहीं सेरेमिक भी है और पूरी पूरी ट्यूब्स भी सेरेमिक्स की बनी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डिस्चार्ज ट्यूब्स हैं वो ग्लास मटेरियल की बनी है। इस जिस ग्लास की जो ट्यूब है इसके अंदर एक गैस फिल कर दी जाती है, वो मिक्सचर भी हो सकता है, एक सिंगल गैस भी हो सकती है, गैसेस का मिक्सचर भी हो सकता है जैसे एयर है, और लाजमी नहीं है कि वो एक गैस ही हो बल्कि वो कोई कंपाउंड हो सकता है, और उस कंपाउंड के वेपर्स जो हैं, एक लिक्विड कंपाउंड को उसके वेपर्स ऑब्टेन करके वो वेपर्स भी डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किए जा सकते हैं और उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंगल गैस हो सकती है, मिक्सचर हो सकता है गैसेस का, या किसी लिक्विड के वेपर्स फिल किए जा सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोड्स हैं। ये रॉड्स होते हैं, मेटल के रॉड्स होते हैं जिनके साथ वायर्स कनेक्ट होती हैं और वो वायर्स आगे फिर बैटरी के साथ जुड़ी होती हैं। तो इलेक्ट्रोड्स आर मेटल रॉड्स। वो मेटल का पीस जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है उसको एनोड कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो पार्ट, वो मेटल रॉड जो बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा होता है उसको कैथोड कहते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप जो है वो भी अटैच किया जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैस फिल की जाती है तो बाद में उसका प्रेशर रिड्यूस करना है, तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए वैक्यूम पंप भी अटैच्ड होता है। और फिर अगली जो चीज़ है, जो पार्ट है, वो सोर्स ऑफ वोल्टेज है। हमने वोल्टेज प्रोवाइड करना है, हाई वोल्टेज चाहिए
वोल्टेज का कोई सोर्स बैटरी साथ ज़रूर अटैच होनी चाहिए, जिसके साथ डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स किसके, डिस्चार्ज ट्यूब के। तो स्ट्रक्चर में ये कंपोनेंट्स डिस्क्राइब किए जाएंगे। अब है जी वर्किंग प्रिंसिपल नंबर 3 के ऊपर कि ये काम कैसे करती है डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसका जो काम करने का अंदाज़ है, जो प्रिंसिपल है, वो आयनाइजेशन ऑफ गैसेस के ऊपर बेस करता है। वो गैस जिसको डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया गया, हाई वोल्टेज जब प्रोवाइड करेंगे तो हाई वोल्टेज की वजह से उस गैस की आयनाइजेशन होगी, वो आयनाइजेशन फिर आगे मज़ीद स्प्रेड होगी और अल्टीमेटली आयनाइजेशन के नतीजे में गैस के एटम से, ठीक है, या अगर वो एटॉमिक गैस हो, आपको पता है कि जो नोबल गैसेस हैं वो किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो अकेले अकेले रहती हैं। तो तमाम जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये तमाम नोबल गैसेस जो हैं, इनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये एटम्स की फॉर्म में होती हैं, क्योंकि ये रिएक्ट तो करती नहीं है, बॉन्ड तो बनाती नहीं है। तो ये एटॉमिक्स की एटॉमिक फॉर्म में मौजूद हो, और हम कहते हैं कि ये एटॉमिक गैसेस हैं। तो अगर कोई नोबल गैस फिल की गई है तो उस गैस के एटम्स होंगे, लेकिन अगर कोई और गैस फिल की है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, या हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में गैसेस होती हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो भी चीज़ हो, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स, उनकी आयनाइजेशन होगी, उनके एटम्स उनके मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर जब फ्लो करेंगे तो हम कहेंगे कि वो गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए, इस चीज़ के कंडक्टर होने के लिए दो में से एक चीज़ चाहिए, या तो उस चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों जो मूव करें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, या उसमें आइंस होने चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो फ्री हों, मूव करें और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। तो जो मेटल्स होती हैं आमतौर पर, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जो सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंट साल्ट्स वगैरह के, तो उनके जो साल्ट्स के जो आइंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्यूशन में, वो अलग अलग हो जाते हैं, फ्री आइंस हो जाते हैं, लिहाजा फ्री आइंस होने की वजह से जो सॉल्यूशन है साल्ट्स के, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ गैसेस को अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो यहाँ या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना होंगे या फ्री आइंस प्रोड्यूस करना होंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो पॉजिटिव आइंस बन जाते हैं, कैटाइंस बन जाते हैं। तो वो पॉजिटिव आइंस बन गए, उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, वो इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो आयनाइजेशन है बेसिकली उस गैस की, उस गैस के एटम्स के, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। उस आयनाइजेशन से दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक पॉजिटिव आइंस मिल जाते हैं, और पॉजिटिव आइंस जो है ये इलेक्ट्रिसिटी फिर कंडक्ट करते हैं, और दूसरा कि जब उन एटम्स में से, उन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आइंस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और लेकिन साथ जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब इज बेस्ड ऑन आयनाइजेशन ऑफ द गैस एटम्स, गैस मॉलिक्यूल्स, और दैट आयनाइजेशन इज इंड्यूस्ड बाय, इज कॉज्ड बाय हाई वोल्टेज दैट इज अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ट्यूब। अब वर्किंग की बात कर लेते हैं कि ये काम ओवरऑल किस तरह से कर रही है। तो सबसे पहले हमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अपनी डिज़ायर्ड गैस को फिल करना होगा। तो पहला स्टेप यही है, अ डिज़ायर्ड गैस इज़ फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। और जब शुरू में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई है तो उसका कोई भी प्रेशर हो सकता है, वो ऑर्डिनरी प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है, और कम करते करते आम तौर पर उसको 0.01 टॉर तक लाया जाता है, ठीक है। और भी प्रेशर्स के ऊपर उसकी वर्क करवाया जा सकता है, लेकिन जो मोस्टली 0.01 टॉर के ऊपर उसको वर्क करवाते हैं। और
जब मैंने कहा कि जब फिलिंग हुई है गैस की तो कोई भी प्रेशर हो सकता है, लेकिन जब उसकी वर्किंग है, उसको वर्क करवाना है, तो ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर गैसेस की आयोनाइजेशन नहीं होती। आप जितना चाहें वोल्टेज अप्लाई कर दें, गैस की आयोनाइजेशन नहीं होगी एट ऑर्डिनरी प्रेशर। तो अगर गैस को, गैस की आयोनाइजेशन को फिजिबल करवाना है, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा कि प्रेशर को रिड्यूस करना होगा। इसके रीज़न भी हम जानेंगे। तो हाई वोल्टेज जब सेकंड ये कुछ पहला काम ये था कि गैस को फिल कर दिया, प्रेशर रिड्यूस कर दिया। अब ये है कि हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और जो हाई वोल्टेज आमतौर पे अप्लाई किया जाता है वो 5000 वोल्ट से 10000 वोल्ट के दरमियान में, 10000 वोल्ट से ज़्यादा भी हो सकता है, 5000 से कम भी हो सकता है। ये नॉर्मल रेंज है जो आमतौर पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए, उनमें यही वोल्टेज इसी रेंज में यूज़ किया जाता है। अब ये है कि जब आप लो प्रेशर प्रोवाइड कर दोगे, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दोगे, तो जो गैस इनसाइड द ट्यूब है दैट बिकम्स द कंडक्टर। और उसकी वजह क्या है, क्यों वो कंडक्टर हो रही है, क्योंकि उस गैस के जो एटम्स हैं या उस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दिस स्टार्ट एमिटिंग लाइट। और लाइट क्यों इमिट कर रहे हैं, क्योंकि उन गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकले हैं, कि उन्होंने वोल्टेज से एनर्जी गेन की है, वो एक्साइटेड हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जब निकले हैं और डी एक्साइटेड हुए हैं, तो जितनी उन्होंने एनर्जी गेन की थी, एब्जॉर्ब की थी, तो ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन वो रिलीज कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि वो गैस जो ट्यूब के अंदर फिल की है, दैट्स स्टार्ट इमिटिंग लाइट। वो लाइट कहाँ से आ रही है जो इमिट हो रही है ट्यूब में से, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लाइट को इमिट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्यों लाइट को इमिट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वोल्टेज से एनर्जी गेन की, हायर एनर्जी लेवल पर चले गए, और वहाँ से जब जंप करेंगे लोअर एनर्जी लेवल पर, और जब उनकी डी एक्साइटेशन होगी, तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की वो एनर्जी, उतनी ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो एमिट कर देंगे, जो कि ट्यूब से निकलती नज़र आती है। और जो उस लाइट का कलर है वो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन ट्यूब। द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द गैस फिल्ड इन ट्यूब। जैसी गैस होगी उसी तरह का लाइट जो है उसमें से इमिट होगी। तो डिफरेंट गैसेस इमिट लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर्स। इसमें एग्जांपल जो है वो नियॉन साइंस की है। नियॉन साइंस में इसी तरह ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के अंदर नियॉन गैस, जो नियॉन एक नोबल गैस है, वो फिल की होती है। तो ये नियॉन साइंस एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपके घर में जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, उनके अंदर भी गैस फिल की होती है, और वो भी डिस्चार्ज ट्यूब के प्रिंसिपल पर काम करती है। जो एनर्जी सेवर हैं हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर भी गैस जो है वो फिल की होती है, वोल्टेज अप्लाई होता है, तो वो भी डिस्चार्ज ट्यूब के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये वर्किंग है, सबसे पहले गैस को फिल करना है पहले स्टेप में, फिर उसको लो प्रेशर के ऊपर लाना है, फिर हाई वोल्टेज अप्लाई करना है। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, गैस जो है वो कंडक्टर हो जाएगी। अगर क्या हो कि हम प्रेशर को और रिड्यूस करें, 0.01 टार से और रिड्यूस करें, तो क्या होगा। तो साइंटिस्ट ने ये करके देखा, उन्होंने जब प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया, ठीक है, वन प्रेशर इज़ फर्दर रिड्यूस्ड, तो जो लाइट इमिट हो रही थी वो लाइट एमिशन स्टॉप हो गई, और उसके स्टॉप होने से कुछ इनविजिबल रेज निकली। जैसे ही लाइट एमिशन स्टॉप हुई, तो फिर इनविजिबल रेज इमिट होना शुरू हुई। ये इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हुई कैथोड पे, और इन्होंने ट्रेवल करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स एनोड। जैसे कि हम जानते हैं कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ मेटल रॉड है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो ये रेज हैं, जो इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ये मूव कर रही हैं टूवर्ड्स एनोड, तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि इन इनविजिबल रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इनविजिबल रेज कैथोड से निकलकर अगर एनोड की तरफ मूव कर रही है, तो साफ पता चलता है कि इनविजिबल रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये डिस्कवरी तकरीबन इन कैथोड रेज की 1870s 1860s
में ही शुरू हो गई थी 1870s में, फिर मजीद एक्सपेरिमेंट हुए 1880s में, एक्सपेरिमेंट हुए 1890s में, एक्सपेरिमेंट हुए, और अल्टीमेटली एक साइंटिस्ट जो हैं जे जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, उन्होंने ये प्रूव कर दिया, ये जस्टिफाई कर दिया कि ये जो कैथोड रेज हैं, नेगेटिवली चार्ज रेज हैं, एक्चुअल में ये और कुछ नहीं है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट टाइम जिस बंदे ने कहा कि ये नेगेटिव रेज, ये कैथोड रेज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जे जे थॉमसन, जोसेफ जॉन थॉमसन, ये ब्रिटिश बरतानिया के फिजिस्ट थे, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ नोट की और आइडेंटिफाई किया। हमारी बुक में जो डेट दी गई है, जे जे थॉमसन ने जब ये आइडेंटिफाई किया इनको एज इलेक्ट्रॉन्स, तो जो डेट दी गई वो है 1887 की, 1887 की। लेकिन अगर आप किसी और बुक से पढ़ें और इंटरनेट पे पढ़ें तो आपको जो डेट मिलेगी वो 1897 की मिलेगी। तो एक्चुअल में जे जे थॉमसन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट का आगाज़ किया था वो तकरीबन 1887 में किया था, और एक्सपेरिमेंट करते 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 9-10 साल लगाए उसने एक्सपेरिमेंट में, और जाकर 1897 में उसने ये हाइपोथेसिस दिया, या कह लें कंक्लूजन दिया, कि ये जो कैथोड रेज हैं, नेगेटिव रेज हैं, एक्चुअली दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। और लेकिन हमारी बुक में जो टाइम दिया है, डेट दी है 1887 की दी है, आपने पेपर के लिए 1887 की डेट को याद करना है कि हमारा पेपर इसी बुक से बनेगा, तो हमने बुक्स वाली डेट को ही याद रखना है, गलत है या ठीक है, हमारा काम इन्हीं डेट से चलेगा। और जैसे यहाँ पर लिखा है कि ये रेज चूँकि कैथोड से निकल रही हैं, तो इस वजह से इनको कैथोड रेज कहा जाता है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई नेगेटिव रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, तो बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड, तो सिंस देयर इज ओरिजिन इज द कैथोड, सो दे आर टर्म्ड एज द कैथोड रेज। अब हम लास्ट के ऊपर डायग्राम की तरफ आते हैं, इतनी हमने बातें की डिस्चार्ज ट्यूब पे, तो देखते हैं कि ये किस तरह से है। तो ट्यूब जैसे आपको पता है जो इनकी शेप होती है नॉर्मली, ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, और ग्लास की बनी हुई इस ट्यूब के अंदर गैस जो है उसके मालिक्यूल्स हैं वो फिल्ड हैं, गैस के एटम्स हो सकते हैं, मालिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया बैटरी से, ये नेगेटिव लाइन आ रही है, तो नेगेटिव वायर जब जिस मेटल रॉड के साथ अटैच होगी उसको कैथोड कहते हैं, इधर सब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वायर के जरिए कनेक्टेड है इस रॉड के साथ, तो जिस पॉजिटिव के साथ जो अटैच हो उसको एनोड कहते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो गैस फिल्ड है इसके अंदर, उसका प्रेशर जो है वो लो किया गया, उसका एयर, वो एयर हो सकती है गैस, जैसे यहाँ पर एयर लिखा है, तो एयर मैंने जैसे ऊपर बात की, एयर हो सकता है, गैस कोई वेपर हो सकती है, जो भी एयर या मिक्सचर इसमें फिल किया उसको लो प्रेशर पे रिड्यूस किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो पहले वो उसके अंदर जो गैस है या एयर है उसने ग्लो किया, और अगर इसमें एयर फिल करें जो नॉर्मल एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो फिर जो ग्लो आता है वो ग्रीन ग्लो है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में लेबल किया गया। तो अगर कोई और गैस हो तो उसके से डिफरेंट तरह का ग्लो प्रोड्यूस होगा। खैर, तो लाइट इमिट हुई, लेकिन जब उसका फर्दर प्रेशर रिड्यूस किया गया तो इनविजिबल रेज निकली, वो इनविजिबल रेज जो है वो कैथोड से निकली, उन्होंने मूव किया टूवर्ड्स एनोड, और हमने उनको कैथोड रेज कहा, और चूँकि वो एनोड की तरफ पॉजिटिव पार्ट की तरफ मूव कर रही थी तो हम उनको नेगेटिव रेज भी कहते हैं, कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और आज हम जानते हैं कि नेगेटिव रेज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप सोच सकते हैं, ये बात आपके माइंड में आ सकती है कि इनविजिबल रेज हैं तो फिर लोगों को पता कैसे चला कि ये प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि ये तो नज़र नहीं आ रही। तो एक्चुअल में जब ये इधर से कैथोड से ये इनविजिबल रेज, कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, इन्होंने ट्रेवल किया एनोड की तरफ, एनोड को क्रॉस करके जो पीछे वॉल है इसकी, ये वाला पार्ट ग्लास ट्यूब का, ये वाला एंड जो ग्लास ट्यूब की वॉल है, इधर उन्होंने स्ट्राइक किया, टक्कर लगी, कुलियन हुई, और इन कैथोड रेज के ग्लास वॉल के साथ कोलाइड करने से यहाँ फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस हुआ, यहाँ ग्लो प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ जो ग्लो चूँकि इस एंड के ऊपर प्रोड्यूस हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पहले तो पूरी ट्यूब ग्लो कर रही थी, जैसे आपके घर में ट्यूब लाइट है या जो एनर्जी सेवर है पूरे का पूरा ग्लो करता है,
लेकिन जब फर्दर प्रेशर रिड्यूस किया गया तो पूरी ट्यूब ने ग्लो नहीं किया, बल्कि जो एनोड वाला एंड था वहाँ पे फ्लोरिसेंस यानी ग्लो जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो साइंटिस्ट को लाजमी इस बात से ये इन्फ्रेंस, ये रिज़ल्ट, ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं जो नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन वो यहाँ पे एनोड के ऊपर आके जब कोलाइड कर रही हैं तो ये उनके क्लूजन से ग्लो जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो थी वो इनविजिबल, लेकिन ग्लो के प्रोड्यूस होने ने इस बात को जस्टिफाई किया कि सम इनविजिबल रेज हैव बीन प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड एंड दैट हैव ट्रेवल टूवर्ड्स द एनोड। तो ये नीचे वैक्यूम पंप भी है जिसकी मदद से प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग वर्किंग ऑफ द कैथोड ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब भी इसको कहते हैं, कैथोड ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कैथोड रेस डिस्कवर हुई, डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं कि इसके अंदर चूंकि आयोनाइजेशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि गैसेस लो प्रेशर के ऊपर ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। तो इस रीजन को समझने के लिए आपको इन दोनों डायग्राम्स को गौर से देखना होगा। ये जो पहली डायग्राम है ये हाई प्रेशर के ऊपर है, इसमें गैसेस को हाई प्रेशर के ऊपर प्लेस किया गया, एक गैस है या गैसेस का मिक्सचर है हाई प्रेशर के ऊपर है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं, प्रेशर ज़्यादा है। ये नीचे वाले डायग्राम के अंदर जो गैसेस हैं उनको लो प्रेशर के ऊपर प्लेस कर दिया, एक गैस है या अगेन गैसेस का मिक्सचर है तो उसको लो प्रेशर पर रखा गया, यहाँ गैस को हाई प्रेशर पर रखा गया। हाई प्रेशर में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज हैं, लो प्रेशर के ऊपर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर जब कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए, गैस एक्सपेंड हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, आयनाइजेशन होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले शुरू में निकलेंगे एक दो या तीन चार इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये गेन करते हैं एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज। कुछ तो इनकी पहले अपनी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ये ऑलरेडी हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर हैं और फिर ये एनर्जी गेन करते हैं, और ये जो गेन करते हैं एनर्जी ये गेन करते हैं वोल्टेज से जो हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया है। अब इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से या एक एटम से निकला अंडर द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा दूसरे एटम से, जो एक एटम से निकला है इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ जो सामने दूसरा एटम पड़ा है उस एटम के ऊपर जाके वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा और वहाँ से उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट करने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकल कर ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरे सामने वाले एटम के ऊपर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसमें ये देखना है कि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और जिस एटम के ऊपर जाके वो स्ट्राइक कर रहा है तो दोनों एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एटम से निकल चुका वो एनर्जी गेन कर रहा है वोल्टेज से, और वोल्टेज से वो एनर्जी जो गेन कर रहा है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा उसको उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिलेगी, वो उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा फ्रॉम द या कह लें अंडर द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। अगर डिस्टेंस शॉर्टेज है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, उसको वोल्टेज से कम काइनेटिक एनर्जी मिल सकेगी, और कम डिस्टेंस कवर करते हुए जब वो अगले एटम को हिट करेगा तो उसकी चूँकि एनर्जी कम है, वो उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, काइनेटिक एनर्जी कम गेन की, तो अब उसके पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि जब उसने सामने वाले एटम से कोलाइड किया, स्ट्राइक किया तो उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके। लेकिन जब आप प्रेशर लो करते हो, डिक्रीज करते हो प्रेशर, तो एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो दूसरे एटम को जाके हिट करेगा तो दो एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब है गेन जो है काइनेटिक एनर्जी का वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो अंडर द इफेक्ट ऑफ वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो उसका मतलब है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब हिट करेगा नेक्स्ट एटम को तो उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने की एबिलिटी रखता है, तो यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन उसने हिट किया अगले एटम को तो वहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये अगेन काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स
फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो ये दो और एटम्स को हिट कर सकेंगे। ये एक और एटम को हिट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो निकल चुका ये भी एक और एटम को हिट करेगा। अल्टीमेटली चूँकि डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स में ये एटम्स में ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा गेन की, तो जब नेक्स्ट एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉट करने की एबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ से जिस इलेक्ट्रॉन ने हिट किया वो आ गया, और जब हिट करने के बाद उसने उस एटम का एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया, तो वो भी इसी तरह यहाँ से भी जो हिट करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी साइड पे चला गया और उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट भी कर दिया फ्रॉम एटम। तो यहाँ पर देखें, बात चली थी एक इलेक्ट्रॉन से कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला अंडर द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, वो इलेक्ट्रॉन ने काफ़ी डिस्टेंस कवर किया तो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की, वो इतनी काफ़ी काइनेटिक एनर्जी थी कि जब उसने नेक्स्ट एटम को हिट किया तो उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। तो एक से एक इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन उससे आगे फिर दो इलेक्ट्रॉन आ गए नॉकआउट होने के बाद, फिर दो से आगे चार इलेक्ट्रॉन आ गए नॉकआउट होने के बाद, और फिर चार से आगे इसी तरह से आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो मज़ीद एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे। तो अल्टीमेटली उस गैस के जितने एटम्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे आयोनाइज हो जाएंगे और वो गैस के एटम्स जो हैं वो पॉजिटिव आयंस में बदल जाएंगे और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है इस वजह से वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने से जो पॉजिटिव आयंस क्रिएट हुए हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये है कि जब आप प्रेशर रिड्यूस कर लेते हो गैस का तो एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ जाता है, लिहाजा एक एटम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को इतना डिस्टेंस मिल जाता है, उस डिस्टेंस को कवर करेगा तो ठीक ठाक काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और वो फिर नेक्स्ट एटम को हिट करके उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकता है, आयनाइजेशन काज कर सकता है। तो ये है कि लो प्रेशर के ऊपर जो गैसेज हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं, गैस के एटम्स जो हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं और गैस जो है वो कंडक्टर बन जाती है। और हाई प्रेशर के ऊपर मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस जो कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स सफिशिएंट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाते फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज, लिहाजा वो फिर दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट नहीं कर पाते, तो आयनाइजेशन सफिशिएंट नहीं होती, आयनाइजेशन बहुत थोड़ी होने से तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता। तो ये इसमें रीज़न। तो ये हमारा टॉपिक जो है मुकम्मल हुआ। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ ये टॉपिक है मेन एटॉमिक पार्टिकल्स का, एटम में मौजूद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके ऊपर। तो मैंने इसको भी मुख्तलिफ सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो पहले कहा जाता था कि एटम इनडिविजिबल है, तो मॉडर्न कंसेप्ट आज हम जानते हैं एटम इज़ डिविजिबल और ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से बने, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। और आज तक ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स राउंड अबाउट 100 जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं, और इन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन जो आप 9th-10th में पढ़ के आए, ये मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये मेजर जो एटम है उसकी कंपोजिशन में उसके स्ट्रक्चर में इन्हीं तीन का रोल है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि 100 के आसपास जो हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब ये जो 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं इनमें से कुछ को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं और कुछ को जनरल पार्टिकल्स कह देते हैं। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो कौन से हैं, तो आप गेस कर सकते हैं कि वही जो मोस्ट स्टेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये मोस्ट स्टेबल हैं तमाम एटम्स के अंदर, तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहते हैं दे आर द फंडामेंटल आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल एटम्स। तमाम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, लेकिन एक बहुत इंतहाई खूबसूरत सी और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है, एक ऐसा भी एटम है जिसके अंदर ये तीनों पार्टिकल्स एक साथ मौजूद नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते। द ओनली एटम दैट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन वो एटम है प्रोटियम का।
प्रोटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है। जैसे हमने ऊपर जिक्र किया कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन वन, हाइड्रोजन टू, हाइड्रोजन थ्री। हाइड्रोजन वन को प्रोटियम कहते हैं, हाइड्रोजन टू को ड्यूट्रियम कहते हैं, हाइड्रोजन थ्री को ट्राइटियम कहते हैं। नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर टू में आपने ये पढ़ा था। तो जो प्रोटियम है, हाइड्रोजन वन, हाइड्रोजन का आइसोटोप, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इट इज़ द ओनली नॉन एटम दैट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। तो बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स में, तमाम उनके एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि ये तमाम एटम्स के अंदर मौजूद हैं सिवाय एक एक्सेप्शन के। अब हम अगली हेडिंग में बात कर लेते हैं बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो है वो बाकी जो 97 है वो आ जाते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर अनस्टेबल हैं और इतने अनस्टेबल हैं कि ये एक सेकंड भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, बल्कि ब्रेक हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं इन लेस देन वन सेकंड। यानी एक सेकंड के लिए भी ये स्टेबल नहीं रह सकते, एक सेकंड से भी बहुत कम टाइम में ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये स्टेबल नहीं है। बाकी इनके अंदर कुछ एग्जांपल्स को देखें तो न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रॉनों, पॉजिट्रॉन, पियॉन्स और मियॉन्स, ये कुछ नाम है। तो ये आपको एक दो नाम्स और भी आने चाहिए। अभी एक बात कर लेते हैं कि पूरा जो एटम है उसकी करेक्टरिस्टिक्स किस के ऊपर डिपेंड करती हैं। 100 के आसपास पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम की करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स जो हैं एटम्स की, वो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। इसकी एग्जांपल ये है, जस्टिफिकेशन ये है, ये जो केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एटम की, एलिमेंट की, वो डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट जो शेल होता है किसी एटम का, उसको वैलेंस शेल कहते हैं और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से होंगे, यानी जितना उनका नंबर होगा उसी हिसाब से केमिकल रिएक्टिविटी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं, वन ए, उनके तमाम उन तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चूंकि बहुत आसान है, लिहाजा ग्रुप वन के एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट हैं। ग्रुप वन में अगर हाइड्रोजन को छोड़ दें तो पीछे अल्कली मेटल्स बचते हैं। तो अल्कली मेटल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ मेटल्स, क्योंकि उनका एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में जिसे उन्होंने लूज करना है। लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इज मच मच ईजियर, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख लें नॉन मेटल्स में, तो हैलोजन्स में आ जाएं, हैलोजन्स ग्रुप नंबर 7 है, 7A, तो उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 7 तो पहले ही हैं, 8 पूरे करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत आसान है, मच मच ईजियर, और हैलोजन्स का जो साइज़ है वो भी उनको फेवर करता है, वो तो एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन कर सकें। तो हैलोजन्स अमंग द नॉन मेटल्स इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप। हैलोजन्स मेक द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द नॉन मेटल्स। और दूसरी तरफ मेटल्स में देखें तो अल्कली मेटल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स में देखें तो हैलोजन्स इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप ऑफ द नॉन मेटल्स। उसकी वजह कि उनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो केमिकल रिएक्टिविटीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने आपको अल्कली मेटल्स और हैलोजन की एग्जांपल से बात समझाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें मैस आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट्स के, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह, तो ये डिपेंड करते हैं
मैस के ऊपर, और किसी भी एटम का जो मैस है वो डिपेंड कर रहा होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर। जो एटॉमिक मैस है दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मैस कंट्रीब्यूट करते हैं, और मैस से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैस में ऐसा सच कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मैस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, बहुत ही हल्के से पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी मैस में तो ऐसा सच कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन एटम्स की, एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जो था मेन एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको चार हेडिंग में देखा। उससे पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब की बात कर चुके, और उससे पहले हम डाल्टन और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम इसको कंपेयर कर चुके। तो इसके साथ ही ये आज वाला वीडियो लेक्चर जो है और उसके टॉपिक्स मुकम्मल हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज़ और ई बाई एम, ठीक है, चार्ज टू मैस रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उसकी बात करेंगे। तो उनको उसमें से डिस्चार्ज ट्यूब के एक दो और एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक, नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज़।